मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे शब्द संरचना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द क्या है। वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द, किंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो वर्णों का मेल होता है वो सार्थक होना चाहिए, क्योंकि सार्थक शब्दों के मेल से ही शब्द बनेंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, अ ई क और उ, इनको मिलाकर यानी कि इन वर्णों को मिलाकर यहाँ शब्द बना है लीकू, जबकि इसका आप कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए यह एक शब्द नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्णों का सार्थक मेल नहीं हुआ। यदि हम इसको लिखते क उ ल और ई तो शब्द बनता कुली, ये कहलाता वर्णों का सार्थक मेल और कुली कहलाता शब्द। इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द। जो शब्द है वो वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। उसके बाद आते हैं शब्दों के प्रकार। शब्दों के जो प्रकार हैं इनको तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसके चार प्रकार हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तत्सम शब्द। मेरे प्यारे बच्चों, यह वह शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ही स्वीकार किए गए हैं या प्रयोग में लाए गए हैं। जैसे अग्नि, चंद्र, रात्रि, यह शब्द सारे संस्कृत के हैं जो कि हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ही प्रयोग में लाए गए हैं। उसके बाद आता है तद्भव। यह संस्कृत के वह शब्द हैं जिनको बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है। जैसे अग्नि शब्द संस्कृत का है, इससे बना है आग, और आग कहलाएगा तद्भव शब्द, क्योंकि यह संस्कृत भाषा से ही जो शब्द है उसमें कुछ बदलाव लाकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद आता है देशज शब्द। देशज अर्थात देश से उत्पन्न, यह वह शब्द हैं जो भारत देश में यानी कि जो हमारे देश में जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ अपनी आम बोलचाल की भाषा में इसको प्रयुक्त किया जाता है। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगडंडी, यह ऐसे शब्द हैं जो कि बोलचाल की भाषा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। जैसे कि हमें शब्द से ही कुछ न कुछ ज्ञात हो रहा है कि विदेशी शब्द का संबंध विदेश से है, यानी कि जो शब्द विदेशों से हमारे देश में प्रयुक्त किए जाने लगे हैं। कहने का भाव है जो विदेशी भाषाओं से जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में आ गए हैं, जैसे लालटेन, मशीन, यहाँ कमरा, वकील, साबुन इत्यादि। उसके बाद आते हैं हमारे बनावट के आधार पर शब्द के तीन प्रकार। तो सबसे पहले है रूढ़ शब्द। यह शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि हम इनके टुकड़े कर देते हैं तो इनका आप कोई भी अपना अर्थ नहीं निकलता, जैसे पेड़, कवि, घोड़ा, गुलाब इत्यादि। उसके बाद आता है बच्चों यौगिक शब्द। यह शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। बच्चों योग का अर्थ होता है जोड़ना, अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। देखो इनको यानी कि ये जो यौगिक शब्द है इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो दो जो शब्द होते हैं वो सार्थक होने चाहिए।
और सार्थक शब्द जो होते हैं दोनों उनको जोड़कर बनता है यौगिक शब्द। उसके बाद आते हैं योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। कहने का भाव है मेरे बच्चों कि दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ से जो एक विशेष अर्थ बताते हैं। अभी आपको मैं इसका एक उदाहरण बताऊंगी, जैसे नीला प्लस कंठ, नीलकंठ। नीलकंठ का क्या भाव है? शिवजी भगवान, क्योंकि जो शिवजी भगवान जी हैं उनका कंठ है नीला, तो इसलिए ये जो नीलकंठ शब्द हुआ ये है योग रूढ़, क्योंकि यह एक तो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और दूसरा ये एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। अब हमारे सामने है इसका आखिरी प्रकार, यानी कि आखिरी आधार, प्रयोग का आधार। इसके आधार पर शब्दों के हैं दो रूप, पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। जो विकारी शब्द है मेरे प्यारे बच्चों इसके भी चार प्रकार हैं, जो अविकारी है इसके भी चार प्रकार हैं। जो अविकारी है इसको अव्यय भी कहा जाता है, क्योंकि रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। जो अविकारी शब्द होते हैं उनकी रूप स्थिति में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आता, जबकि जो विकारी शब्द होते हैं लिंग वचन काल के कारण इनमें जो परिवर्तन है वो आ जाता है।